हेलो स्टूडेंट्स, आज आम वृत्त चैप्टर पढ़ा। ये चैप्टरटा आज पढ़ा ईएल सेंटर सब तुम सब्सक्राइब कले जापर ता प्रीवियस चैप्टर गुड़िक कौन के पाठ पढ़ा जाता। आज डेमो क्लास पढ़ाव स्टूडेंट्स मैंने केमती क्लैरिफिकेशन सेवे करेज पाइबे एनकरेज सहित सठिक भाव के ब्लाक बोर्ड करेंगे ताको प्रीवियस क्लास एबे देखिबा वृत्त काहाकु कहते। ये जो वृत्त देखुछ गोटा ये गोटा वृत्त एटा होछि केन्द्र। वृत्त काहा कहले ना केन्द्र ठारु समान दूर रे बिंदु मान समान दूर रे बिंदु मानकर समाहार को गोटे वृत्त कहा जाए। समतल रे कोनसी एक वृत्त दत्त बिंदु ठारु एक निर्दिष्ट दूरतार उक्त समतल अवस्थित समस्त बिंदु मानक सेट को गोटे वृत्त कह। सपोज ये बिंदु मान लगे केन्द्र ठार डिस्टेंस तार सामान हम यू कहे गोटे गोटे यू गला गोटे वृत्त। ए वृत्तर बर्तमान देखा वृत्तर केन्द्रबिंदु केन्द्रबिंदु दसटा केन्द्रबिंदु यहाँ है वृत्तर केन्द्रबिंदु केन्द्र। तापर आस देख केन्द्रबिंदु है वृत्तर अंतस्थ एक बिंदु ओ जहाँकि परिधि ठारु समुद्रवर्ती यहाँ हूँ वृत्तर परिधि एटाला वृत्तर परिधि परिधि सामान दूरवर्ती केन्द्र डिस्टेंस एटी से सब आड़े सामान यहाँ कहला आम यहाँ बर्तमान कह परिधि कहटा है केन्द्रबिंदु है यहीटा कह वृत्तर केन्द्रबिंदु रु परिधि को जोग कर व्यासार्ध यहाँ है व्यासार्ध यटार केन्द्रबिंदु परिधि को जोग कर रेखाखंड कह व्यासार्ध एवं केन्द्रबिंदु परिधि उभय पार्श्व दे जा दुई परिधि केन्द्र को जोग कर सरला कह व्यास यहाँ व्यास व्यास हूँ व्यासार्धर दुई गुण। बर्तमान व्यासार्ध होगा आ गोटे देखा जा गोटे देखा ओके ये देख मु जाटा कर वृत्तर दुईट पृथक बिंदु ए गोटे प्रांत बिंदु बी गोटे प्रांत बिंदु संजोग रेखाखंड को आम यहाँ कह गए जा यहाँ ए बी गोटे जा ए जार दुईटा प्रांतबिंदु अच्छी गोटे ए अच्छी गोटे बी अच्छी जार ये क्षुद्र चापटा है एपटे है बृहत चाप ता परवर्त देखा जा गला व्यास व्यास है व्यासार्धर दुई गुण है व्यास यटा को जोग कले बर्तमान एम ए सपोज यटा एन एम एन है व्यास केन्द्रबिंदु जी जा केन्द्रबिंदु जा सब बृहतम जी हूँ व्यास हूँ बृहतम ज्या गोटे वृत्तर असंख्य ज्या अंकन कर सब बृहतम ज्या कहते देश वृत्तर अंतर्देश वृत्तर अंतर्देश हूँ देख अंतर्देश वृत्तर अंतस्थ बिंदु मानक संहार यहाँ बर्तमान बिंदु गुड़िक देखेदे ये वृत्तर अंतर्देश यु गुड़िक वृत्तर बहिर्देश आम देखा वृत्त एक उत्तल सेट हम वृत्त और अंतर्देश उत्तल सेट मात्र वृत्त एक उत्तल सेट नुहे कहीं वृत्तर अंतर्देशा उत्तल सेट हम वृत्त एक उत्तल सेट नुहे कहीं अंतर्देश गोटे सरल लेखा ए बी नवा ए बी सबसेट एस ए बी एसर एक उपसेट थवटा को वृत्तर अंतर्देश को उत्तल सेट कह वृत्त को उत्तल सेट कह आम वृत्तर ये गोटे वृत्त कर वृत्तर अंतर्देश एक उत्तल सेट मात्र वृत्त एक उत्तल सेट नुहे केमती आम प्रमाण करी सपोज यहाँ वृत्त होगा यहाँ है अंतर्देश ए बी गोटे जदि रेखाखंड हुए एस वृत्तर ए बी रेखाखंड एक सबसेट ए बी रेखाखंड सबसेट एस वृत्त तेणु एस वृत्त को गोटे उत्तल सेट अंतर्देश कृत्तटा उत्तल सेट नुहे। तापर सर्वसम वृत्त सर्वसम वृत्त कौन का कह सर्वसम वृत्त
सर्वसम होला एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध समान हेले जदि दुटा वृत्तर व्यासार्ध गुडीको समान हबो से वृत्त द्वय को सर्वसम वृत्त कुहा जीव सपोज एटा S1 वृत्त S2 वृत्त आर होला 4 सेमी व्यासार्ध आर होला मध्ये 4 सेमी व्यासार्ध तले दुटा वृत्त को सर्वसम वृत्त कुहा जीव कने व्यासार्ध द्वय को समान हेले वृत्त द्वय को सर्वसम वृत्त बले कुहा जाय एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध समान हेले सेमानकु सर्वसम वृत्त कुहा जाय तापर सर्वसम ज्या सर्वसम ज्या किंतु अब देखो एटे वर्तमान मु एटे उडा कर दउ छी एटे देखो उडा वृत्त हला एस वृत्तर ये गुटे ज्या हला ए बी गुटे ज्या हला मने कर एटे उडा नगे दवा बी सी गुटे ज्या हला ए बी ज्यार दर्घ्य बी सी ज्यार दर्घ्य जदि समान हला तले से दोई को सर्वसम ज्या कुआ जाए गोटे वृत्त रे जेउ ज्या मानक दर्घ्य समान ताकु सर्वसम ज्या बिलि कुआ जाए कैना आर दर्घ्य ज्या आर दर्घ्य मध्य से एवं मन रखिया पडिवो कोनसी वृत्त रे असंख्य ज्या अंकन करा जाए पारिवो तापर चाप चाप देख एक वृत्त उपरिस्थ ए ओ बी दुईटी बिंदु हेले ए ओ बी बिंदु समेत ए बी रेखाखंड जार एक पार्श्वरे वृत्त उपरिस्थ बिंदु मानकर सेट को एक चाप कुआ जाए एटी देख एस वृत्तर ए बी ज्या ए जो बिंदु एटा गोटा होला चाप एटा को ए एक्स बी चाप कुआ जाइ परबो ए एक्स बी चाप कुआ जइबो बा ए बी चाप मध्य कुआ जइबो एटा गोटा चाप एवं मन रखिया पड़ो यार विपरीत चाप मध्य अछि जदि एटा केन्द्र बिंदु होला ए एक्स बी रो विपरीत चाप ए वाई बी चाप एटा गोटा चाप ये गोटा चाप एटा एटा क्षुद्र चाप एटा होला बृहत चाप तापर विपरीत चाप गला केन्द्र रो ओ रो ए मनकर केन्द्र ओ एटा को पी को देछि ए पी बी चाप विपरीत पार्श्व रे जेउ चाप ए क्यू एटा करो सपोज ए क्यू बी ए चाप आर विपरीत होला एटा चाप विपरीत चाप गठित होवे ताकु विपरीत चाप कहंती एवं ए चाप से चापर क्षुद्र चाप एवं बृहत चापर समाहार रे वृत्तटे गठित होइथाय तापर आसो देखिबा वृत्तखंड वृत्तर वृत्तखंड केमिति होउछ देख वर्तमान एटु गोटे वृत्तखंड म करछु एस वृत्त हला वृत्तखंड वृत्तर एक ज्या एवं ज्या सह संपृक्त कोणसे एक चाप एटा हला केन्द्रबिंदु ए हला गोटे ज्या ए बी हला गोटे ज्या ज्या सह संपृक्त कोणसे एक चाप ए एक्स बी गोटा हला चाप चापर संयोग ज्या आ चाप को मिसाई देवा उत्पन्न सेट को वृत्तखंड कहुए तमें यहाँ है वृत्तखंड फिगर के देख एटा होला वृत्तखंड ए एक्स बी एटा होला वृत्तखंड एटा होला वृत्तखंड एटा वृत्त क्षुद्र वृत्तखंड अपोजिट हम बृहत वृत्तखंड तापर वृत्तखंडस्थ कोण कौनसी चापर एक अंतर्लिखित कोण को संपृक्त वृत्तखंडस्थ कोण कहा जाए एटा जदि वृत्तखंड होला एटा होला वृत्तखंड होला एटा को अनै दे लगे देबी एटा होला वृत्तखंडस्थ कोण ए एक्स बी होगा वृत्तखंडस्थ कोण एपटे मत से हम एटा बृहत ए वाई बी गोटे चाप हेले एटा होगा ए वाई बी मध्य वृत्तखंडस्थ कोण बोली कह जाए तापर वृत्तकला वृत्तकला आमर मेनसुरेसन मध्य आम वृत्तकला पढ़चे कौनसी चापर एक अंतर्निहित कोण को संपृक्त वृत्तखंडस्थ कोण कहला वृत्तकला है वृत्तर कौन से एक चाप चापर प्रांत बिंदु केन्द्र सहित जोग करुवा व्यासार्ध द्वारा संयोग को वृत्तकला गठित देख गोटा वृत्तकला देख एटा ओ ए बी एक्स एटा है गोटे गोटे वृत्तकला कही वृत्तर कौन से एक चाप ये गोटे चाप चापर प्रांत बिंदु ए और बी प्रांत बिंदु केन्द्र है ओ या गठित जोग कले ये गोटे वृत्तकला यटा को वृत्तकला को ब्लैक इन करदे देख एटा है वृत्तकला तापर आसवा वृत्तांत लिखित चतुर्भुज
वृत्तांत लिखित चतुर्भुज क्या कहवा ना वृत्त भितर जदि गोटे चतुर्भुज अंकन हुए ताकू कहवा वृत्तांत लिखित चतुर्भुज एटा वृत्त हला आ भितर गोटे चतुर्भुज अंकन करिया वर्तमान ए बी सी डी कहिछि जो चतुर्भुज शीर्ष बिंदु गोटे चतुर्भुज शीर्ष बिंदु केतटा थाए समस्त जान चारिटा थाए ए चारिटा हला ए बी सी डी ए चारिटा बिंदु वृत्त ऊपर अवस्थान करछंती तेनु आकु कह जो वृत्तांत लिखित चतुर्भुज आगु को आम पढ़वा एगार उपवाद वृत्तांत लिखित चतुर्भुज विपरीत कोण मानकर परिमाण परस्पर परिपूरक अर्थात एक कोण एक कोण मिसे शहे अशी हम एक कोण एक कोण मिसे मध्ये शहे अशी हम आगु को आम पढ़वा आपरे संपूर्ण वृत्त गुड़ को चैप्टर वाइज पढ़वा सात उपपाद्य ए वर्ष आसबार संभावना नहीं बोर्ड निर्देश अनुजाई एवं आठ उपपाद्य को जीवा।